हेलो एंड नमस्ते पीपल, माय नेम इज़ विकी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकी डी आर थ्री। सो काफ़ी टाइम हो गया मैं राइड नहीं किया हुआ है। सो आज छुट्टी मिला है तो हमने सोचा एक राइड प्लान कर लेते हैं, है ना। दो तीन दिन से सिलीगुड़ी में काफ़ी टेम्परेचर बढ़ा है। यस्टरडे इट वाज अराउंड 37, तो बहुत गर्मी हो गई थी। तो गर्मी को थोड़ा चिल करने के लिए तो हम पहाड़ों पे चलते हैं। तो राइट नो अभी मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ। अभी मिडल ऑफ हम गाड़ी धुरा पर हैं, तो एक ब्रेक लिए हुए हैं। हमने बहुत लेट शुरू किया, हमने अराउंड 9:30। सो इट विल गोना टेक अ होल डे आई थिंक, आई बिलीव। जो आज हम जो कर रहे हैं इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो आई बिलीव नॉर्थ बंगाल में किसी ने भी ट्राई नहीं किया हुआ है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। सो वट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग अ सर्किट। सो कौन कौन सी जगह वो सर्किट को हम कवर करेंगे आप ब्लॉग में आगे देखिए, है ना। सो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ टास्क। सो वी आर कलेक्टिंग लव, तो प्यार को हम कलेक्ट करेंगे। तो किस किस प्यार को कलेक्ट करेंगे आप ब्लॉग में देखिए। एंड मैं इस राइड में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा भाई भी है। एंड वो खुद एक ब्लॉग बना रहा है मेरा भाई। हाय एवरीवन, देखिए ये सुशील, आपने इसको मेरे लॉस्ट एंड फाउंड सीरीज युमतांग वैली जो हमने किया था उसमें देखा होगा। सो ही इज ऑन इज क्लासिक 350, जो कल ही हमने इसे सारा सर्विसिंग वगैरह कराया है, एक्सरसाइज कराया है। एंड मैं अपने बीस्ट में, तो आगे का हम चीज़ मोटो ब्लॉग में करते हैं। चलिए आपसे मोटो ब्लॉग में मिलते हैं। सो वेलकम टू मोटो ब्लॉग। एक कांड होने वाला था, बाल बाल बच गए। परसों मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी खरीदा था जो मैंने रात भर चार्ज किया था, जो कल के ब्लॉग में मैंने जब सिलीगुड़ी गया था तो वो मैंने गोप्रो पे लगाया था, फिट किया था। एंड उसको मैं निकालना भूल गया एंड वो सुशील के पास ही रह गया था, वो बैग उसी के पास था। जब मॉर्निंग में आए वो लेके आया, अभी मैं फिट कर रहा था, देखा तो वो चार्ज ही नहीं हो रहा, सॉरी ऑन ही नहीं हो रहा। लकीली मैं दूसरे बैटरीज भी लेके आया था। ये देखिए ना, ये जो ढलान है, घुमावदार ढलान, तो फिलहाल अभी मैं बता देता हूँ, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मिरिक, जो कि यहाँ पे उतना डिस्टेंस में नहीं है। आई थिंक वी वुड रीच बाई 1.5 आवर एंड हमें फर्दर आगे भी जाना है। सो मिरिक इज नॉट आवर डेस्टिनेशन, बट पहला स्टॉपेज है हमारा। तो ये है दुधिया बाजार, हम बोलते हैं दूधे, दूधे में संडे में फ्ली मार्केट लगता है, यानी कि हाट बाजार, जो गांव बस्ती से जो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, साग सब्जी, चावल दाल, गोश्त भी मिलता है, गोश्त। पहले मैं बहुत आया करता था यहाँ पे, जब हमारा छोटा सा दुकान हुआ करता था तो हम संडे मार्केट करने यहाँ से आया करते थे और यहाँ से सब्जियाँ वगैरह लेके जाते थे। ये आपके राइट हैंड साइड में जितना भी शेड्स बन रखा है, वो जो खाली शेड्स, तो यहाँ पे आपका संडे मार्केट लगता है। बहुत बहुत भीड़ होती है ऊपर मिरिक कर्शियों, आसपास के गांव बस्ती वहाँ से भी आते हैं।
टाटा मा के हॉल करू मैं। जब पहले हम आए थे तो यहाँ पे खाने का स्टॉल्स वगैरह बहुत कम लग रहे थे, अभी बहुत बड़े स्टॉल्स वगैरह बढ़ गए। देखिए खाने के लिए मोमो के स्टॉल्स, चाउमीन के स्टॉल्स, तो पहाड़ों में मोमो चाउमीन तो फेमस है ही है ना। सो ये वाला एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पे स्पॉट बहुत फेमस है, तो यहाँ का जो सराउंडिंग है बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो सो यहाँ पे आई लव मिरिक इन लोग ने लिख दिया है, प्लस इसके बगल में ही यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है सारा वे साइड इन, एंड यहाँ का सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा टॉय ट्रेन का एक मिनिएचर बना दिया है। सो लोग यहाँ पे आके एक छोटा सा ट्रेन का लुफ्त उठा सकते हैं, एंड व्यू तो माशाल्लाह आप देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से दूर दूर तक। थोड़ा सा धुंध लग रहा है, अगर ये क्लियर स्काई होता तो ये और भी बढ़िया रहता। सो ये देख सकते हैं छोटा सा ट्रेन, काफ़ी मेहनत किया है इन्होंने, एंड आप अंदर बैठ के यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं, व्यू का मज़ा भी उठा सकते हैं। आई डोंट नो ये ओपन है या नहीं, इट्स क्लोज आई थिंक। ये देखिए ना, ओह यू कैन कम इनसाइड एंड देखिए यहाँ पे खाने का लुफ्त उठा सकते हैं, यू कैन सिट हियर एंड खाने खाते हुए यू कैन हैव अ कप ऑफ टी मोमोज, नज़ारे देखते हुए कितना बेहतरीन लग रहा है। राइट ओके, इसे क्लोज करते हैं। नाइस, वेरी नाइस। सो आप अंदर भी बैठ के खाना खा सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है एम्बियंस, कूल कूल। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, ठंड और भी लगता हुआ। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था बीच रास्ते में, वहाँ पे वाई जंक्शन आ गया था, तो वहाँ से कहाँ पे जाना है, तो बहुत पहले आया हूँ यहाँ पे। सो अभी सुशील को लीड करने के लिए बताया मैंने, एक्चुअली एंड मैंने गोप्रो भी नहीं लगाया, नेविगेशन भी नहीं, सॉरी नेविगेशन भी नहीं लगाया, गोप्रो तो अभी भी नहीं लगाया, नेविगेशन भी नहीं लगाया मैंने। सो ये मुझे लगता है ये मेरे बाजार आने वाला है, दिस इज कृष्णनगर। होटल जगजीत काफी बड़ा हो गया है यहाँ पे। सो एक और लव हम यहाँ पे इकट्ठा करेंगे आई गेस, ये मिरिक झील पर है। सो उसने बाइक कहाँ पे, सो दिस इज मिरिक लेक, मैं बहुत बहुत पहले आया था। सो आई गेस एक और लव यहाँ पर भी है, तो इसको भी कलेक्ट करते हैं।
अभी 11 बज चुके हैं, बहुत टाइम लगने वाला है मुझे लगता है। तो हमने उसे अंदर डाला, तो हम भी अंदर डाल देते हैं। हिजो उत्यो गरेर त्यो यत्रो टाइट भइरहेको छ नि, मैले भने हिजो तँलाई त्यो फर्स्ट र त्यो सेकेन्ड गियर बहुत टाइट भइरहेको छ। जुम जु 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 11 बज चुका है। सो अब अन्दर भी लेके जा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत 90s का, आई थिंक 80s का ये पुराना फीचर था, मैंने प्यार किया। सो वहाँ पे एक गाना है दिल दीवाना, तो ऐसा ही कुछ वाइब्स मुझे आ रहे हैं। ऐसे जल्दी जल्दी निकलना भी कर दी, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। यहाँ कता छ अरे? सो ये है मिरिक लेक, द फेमस मिरिक लेक। त्यो त उत्तापट्टिमा रहेछ त अन्त, आमामा त्यो त उत्तापट्टिमा रहेछ त अन्त, आमामा त्यो त उत्तापट्टिमा रहेछ त अन्त, आमामा त्यो त उत्तापट्टिमा रहेछ त अन्त। यो यो उता भएर जानु, हम मिरिक से आगे बढ़ चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं द ब्यूटीफुल गोपाल धारा की स्टेज। हम आगे फर्दर बढ़ रहे हैं, हमारा अगला डेस्टिनेशन है घूम। टी गार्डन्स में आते हो एक अलग सा महक आता है, स्पेशली आप जब वहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ के पास से गुज़रते हो, जब वहाँ पे टी प्रोसेस हो रहा होता है, जो फ्लेवर है ओहो बहुत ही मेसमराइजिंग, बहुत ही कैप्टिवेटिंग फ्लेवर आपको मिलता है इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ टी। तो आज का वेदर अच्छा है, धूप खिला हुआ है, लेकिन पहाड़ों पे
कि बारिश के बाद का जो जो धूप खिला हुआ होता है ना, उसका नज़ारा ही कुछ और होता है। वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी फ्रेश। हर चीज साफ सुथरा, पोल्यूशन ही रहता है। अदरवाइज यहाँ पे देखिए धुंध, काइंड ऑफ फॉग लगा हुआ है। आप नज़ारे भी देखिए ना दूर तक। मैं गोपालधारा टी स्टेट में रुका हुआ हूँ। जिस इतना सुंदर दिखा जा रहा है, फ्लेयर फ्लैक्स बहुत ही सुंदर। हम सीमाना भी क्रॉस हो चुके हैं। सीमाना वैसे बॉर्डर ही है, एज द नेम सजेस्ट वो बॉर्डर पर ही पड़ता है इंडिया नेपाल। वहाँ पर भी काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं, मतलब स्पॉट है वहाँ पे घूमने का, तो हमने उसे स्किप किया बिकॉज वी आर ऑलरेडी वेरी लेट, वी आर रनिंग वेरी लेट। और एक जगह पर तो मैं कंफ्यूज हो गया और मैं पीछे चला गया। आई वेंट बैक टू सर्च फॉर सुशील एंड ही केम बैक सर्चिंग फॉर मी। लेकिन हमें जाना था वही उसी जा रहा रास्ते पर। एक्चुअली जो मैंने नेविगेशन लगाया था वो मुझे डिफरेंट रूट दिखा रहा था, सो इसलिए मैं वापस चला गया। कहीं पूछ लूँ किसी लोगों से। सो वी आर अबाउट टू रीच सुखिया। सुखिया इज 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर, आई थिंक दिस इज सुखिया। सो दिस मस्ट बी सुखिया पोखरी। ओके, दिस इज सुखिया पोखरी। फॉग धीरे धीरे ऊपरों में लगता हुआ एंड चिल्ड हवा। ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि आपने ऊपर का फ्रिज का ना जो ऊपर का भाग होता है फ्रीजर आपने खोल दिया है। धुंध लगना शुरू हो गया। ओह माय गॉड, शाम को हमारी बैंड बजने वाली लगता है। लेकिन वैसे रेन लैंडर लाया हूँ। ओके, डू आई हैव टू, वैसे पेट्रोल तो मुझे भरना था, बाकी थोड़ा बहुत तो चल सकता है मेरे ख्याल से। देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर, ऐसे ही है यू नो, आफ्टरनून के बाद से यहाँ पे धुंध लगना शुरू हो जाता है समर टाइम में भी। की वजह से थोड़ा सा एक्साइटमेंट में डैमनेस आया हुआ है। दोस्तों का झूम झूम है, बार बार के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये है मेरे पीछे पुलिस लगे हुए हैं, वहाँ से आप माइटी कंचनजंगा को देख सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है धुंध की वजह से। आपको क्यों नहीं देखते, मे भी शायद दार्जिलिंग का शहर देख सकते हैं। काफ़ी ठंड बढ़ गया है। मैंने अंदर से जो इन विंटर लाइनर और रेन लाइनर होता है वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत गर्मी था एंड अभी यहाँ पे बहुत ठंड है। जैसे समय बढ़ता जाएगा शाम होती जाएगी और ठंड बढ़ता जाएगा, बारिश भी आने का बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप देख सकते हैं ब्लैक क्लाउड्स।
अच्छा है, ट्रेन भी मिल गया हमको। बाय बाय। तो हम अभी लामहाटा में आए हुए हैं। लामहाटा जो ये पार्क है, इसकी वजह से बहुत फेमस है। और जो यहाँ पे पाइन ट्रीज का जो फॉरेस्ट है, देखिए बहुत ही सुंदर है। ये पाइन ट्रीज देखिए, सिर्फ ऊपर ऊपर ही इसके पत्ते वगैरह है, नीचे सारे क्लियर हो चुके हैं, शायद बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड। हमारे पास टाइम नहीं है यार, इट्स ऑलरेडी 2:23 और हमें कालिंपोंग पहुंचना है। सो आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस, नेक्स्ट स्टॉप ऑफ आवर्स इज कालिंपोंग। तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाएगा, तो पहले हमें जाना पड़ेगा टिस्टा, टिस्टा से फिर वहाँ से ऊपर कालिंपोंग ले जाना पड़ेगा। सो अभी फंसा हुआ है यहाँ पे ट्रैफिक। हम बतासिया से घूम लामहाटा पेशक होते हुए टिस्टा पहुंचने वाले हैं। लामहाटा में बहुत बहुत ट्रैफिक था, वहाँ पे बोनेट टू बोनेट आप बोल सकते हो। और ये वाला रोड भी बहुत स्टीप है, आप देख रहे हो ना, बहुत स्टीप है। ब्रिज, वुडन ब्रिज, भयंकर। तो अभी हम NH10 पकड़ने वाले हैं, तो कनेक्ट हो जाएंगे हम यहाँ से। तो अभी तक हमने एक पानी भी नहीं पिया, सवेरे से जो निकले हैं हमने पानी भी नहीं पिया। तो अभी लंच के लिए रुकेंगे हम, लंच करेंगे, थोड़ा सुस्ताएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, इट्स 3:10 इन द आफ्टरनून। तो हमें अभी और कालिंपोंग के लिए जाना है। कालिंपोंग इसके हिसाब से और 40 किलोमीटर शो कर रहा है, और ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि वी विल टेक हाफ एन आवर खाने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है आज। चलिए कोई होटल मिलता तो फिर मैं रुकता हूँ। हाँ एक और टास्क कंप्लीटेड। नाउ वी आर इन कालिंपोंग, अबाउट टू रीच कालिंपोंग। तो हमें अपना टास्क मेकर मिल गया, तो हम आगे फर्दर आगे नहीं बढ़े। हम वैसे जाने वाले थे और डेलो, तो डेलो और दूर लग जाता हमें। तो एक और टास्क बचा हुआ था हमारा, एक टाइम लगेगा डेलो जाना, फिर वहाँ से यहाँ से आना, फिर वहाँ पर जाना, तो काफ़ी टाइम लग जाता फिर बाहर को, तो हमारा हो नहीं पाता। सो हम ये कर सकते हैं।